आप लोगों के कमेंट की वजह से हमारे घर में बन रहे हैं आलू के पराठे। ये आलू यहाँ पे तैयार करके रखे हुआ, आटा तैयार करके रखे हुआ, और तुम्हारा मैं वेट कर रही थी और वेट करते करते मुझे ये किस तरह का आदमी मिला है। किस तरह का? ये क्या पहना हुआ है? अरे भाई कंफर्टेबल होके खाएंगे। आलू का पराठा है, कभी कभी मिलता है तो पूरा खुले खुले में खाएंगे, खोल खोल के खाएंगे। ये गया आलू में दोस्तों नमक। आलू के लिए पहले तो चाहिए आलू के पराठे के लिए आलू। अच्छा, अरे रे रे, एक बार नासा से बात करनी पड़ेगी, ये तो बहुत बड़ी बात कर दी तुमने। ठीक है, आलू में जैसे ही नमक गया उसके इमीडिएटली बाद आप डाल दें लाल मिर्च। ओहो, लाल मिर्च डालते के साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जाएगा पिसा हुआ। अरे ये तो खैनी पीस दीजिए। अरे खैनी बना दी बाबू। ये है अजवाइन, अजवाइन को पीस के तोड़ के इसमें डाल दे ताकि आपका पेट खराब ना हो, क्योंकि इससे तो पेट खराब होने की संभावना पूरी रहती है। अमचूर किधर है? और इतना कुछ डालने के बाद भी रात को ये सब गोल जरूर पिए? मैं तो वैसे भी नहीं खाने वाली, मैं तो खाने वाली नहीं हूँ, आप अपनी बात करें। ये लो दोस्तों अमचूर मैंने निकाल कर डाल दिया है। खटाई के लिए अमचूर अच्छी तरीके से डाले ताकि अच्छा लगे। ठीक है, जैसे ही अब आप ये सब कर चुके हैं तो मसाले की डब्बी आप रख दे साइड पे, इसको सारी चीजों को साइड पे रख दे, बाद में समेटी जा सकती हैं। और ये जो अमचूर की गुठली पड़ी है ना इसमें, ये आप इसको भी मैश कर दें। और आप निकाले अमेज़न से आया हुआ मैशर और इससे पहले कर दे हम मैश को अच्छी तरह से। आओ तो अरे कुछ ज्यादा पावर नहीं लगा तुम, स्क्वाट्स क्यों कर रही हो तुम साथ में? सोचो जल्दी जल्दी हो जाए। अरे 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 जल्दी खा लोगे ना तुम्हारे डाइजेस्ट हो जाएगा। तुम्हारा एक्सप्रेशन देख के लग रहा है कि तुम्हें डाइजेस्ट नहीं हुआ आज खाना। बस जी हो गया, बनाओ फटाफट। ना 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 ना, अभी कैसे हो गया भाई? फिर ये मसाला कम लग रहा है। क्या बात कर रही हो? देवी तुम पीस के बताओगे जरा मेरे को थोड़ा सा? ये वाला? हाँ, थोड़ा सा पीसो ताकि मैं बाकी का मसाला तैयार कर दूँ। आओ ये पीसो। हाँ जरा करके दिखाओ बेबी तुम क्या करते हो। हाँ आप समझ में आया औरत की इज्जत करना क्या होता है? ये जो कर रहे हो औरत की इज्जत करोगे? एक नहीं हो रहा तुमसे, एक दबाया नहीं जा रहा। ये अरे हाँ जी वापस चलिए। अब समझ में आया कि औरत कितना मेहनत करती है? और मुझे इसमें जीरा पाउडर दिख नहीं रहा, कहाँ है दीदी जीरा पाउडर? दीदी तो नहीं बता पाएंगी, जीरा पाउडर खुद ही बताएगा। दीदी जीरा पाउडर देना है, थोड़ा सा डाल दोगे तो अच्छा ही रहेगा। ये तो डाल देते हैं हम थोड़ा सा अब जीरा पाउडर। ठीक है, ज्यादा भी मत डाल दो। फिर मिलाना पड़ेगा इसको? जी 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 मिलाइए मिलाइए। अरे तो आपने ये पकड़ो, अब पकड़ लो, अब मैं कर लू, और मैं फटाफट तुम देखो मैं कैसे करती हूँ। बीबी तुमने नमक चख के मेरे को बता देना, क्योंकि मैं तो खा नहीं रही हूँ ना आलू, मैं तो डाइट पे हूँ। तो अभी चखना है? नहीं नहीं मैं बताऊंगी कब चखना है। अच्छा, कच्चे में ही चख के बता देना एक बार, पकने के बाद चखोगे तो फायदा क्या है, तब तो पक चुका होगा ना। तुम्हें खुद पता है तुम क्या बोल रही हो? पता है तुम्हें इतना टाइम क्यों लगता है पीसने में? तुम लेफ्ट हाथ से पीसती हो ना, तो उससे क्या होता है कि मैशर ऐसा क्यों लग रहा है कि टूटने वाला है? इस मैशर को इस्तेमाल किए हुए भी कितना टाइम हो गया सोचो, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं बनाती। अरे आज तो सच निकल गया। मतलब जो डाइट पे रहते हैं तो मतलब डाइट वाला ही खाना बनता है ना फिर घर पे, फिर है बनाने के लिए कोई, तो फिर मैं क्यों बनाऊं, ये भी होता है। चलिए दोस्तों अब ये हो चुका है तो हम बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे इसमें। जो जानते हैं वो जानते हैं, जो नहीं जानते वो जान लो। और डाल देंगे इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च और थोड़ा हो सके तो धनिया भी डाल दो। अब इसको दोस्तों एक ना अलग टेक्निक है। क्या है? टेक्निक। अच्छा मुझे लगा ट्रक है। एक अलग टेक्निक है, उस तरीके से करोगे तो पराठा बहुत अच्छा बनेगा। और वो टेक्निक है कि ये जो साइड से जितने भी आलू है ना उसको बीच में ले लो। यही है वो टेक्निक? इससे बोलना था ना मैं भी। अरे 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 बहुत ज्यादा मेहनत हो रही है भाई। अरे 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 रवि तुम्हें ऐसा पराठा खिलाऊंगी ना कि तुम याद रखोगे। अब मुझे थोड़ा सा इसमें से आलू खा के बताओ कि आलू एकदम ठीक है, नमक वगैरह ठीक है, कम जाती है ज्यादा? जाती क्या है? ज्यादा मेरे को तो ठीक लग रहा है, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार पूरा कंफर्मेशन के लिए आप भी खा लें। मैं नहीं खा सकती ना बेबी। ओ मुझे ठीक लग रहा है, मैं थोड़ा और डाल दूं? क्या नमक? हाँ नमक थोड़ा सा डाल सकती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। इससे पूछना भी बेकार है। तो दोस्तों बिना इस आदमी के मैं नमक डाल रही हूँ, बस 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 काफी है। और मैं मेरे को ऐसा लगता है चलो सा अमचूर पाउडर भी डाल सकती हूँ। अरे नहीं नहीं अमचूर बहुत खट्टा कर दिया मेरा मुंह। थोड़ा सा लाल मिर्च तो डाल लेती हूँ, और लाल मिर्च भी काफी है बेबी उसमें। हाँ अभी तो मजा आएगा, कुछ और तो है नहीं पराठे में। पराठे के साथ क्या है? पराठे का अचार है। मेरे को शुरू किया ना, मैं भी कुकिंग ब्लॉग्स करूंगी ना धीरे धीरे करूंगी, मेरे को प्रोत्साहन तो दो, तुम तो पहली बार में ही। प्रोत्साहन दे रहा हूँ ले लो, प्रोत्साहन दिखता नहीं है अदृश्य रहता है, ये लो प्रोत्साहन अपनी जेब में रख लो, जब जब मन करे थोड़ा थोड़ा सुबह शाम खाओ खाने के बाद। अरे 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 चूंकि मेरे पति के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है तो मैं इस चीज को बहुत जल्दी बनाने वाली हूँ।
हम आटे की लोई लेंगे बहुत जल्दी, मोटी सी, इससे भी मोटी, और इसको गोल गोल कर लेंगे, ठीक है? इसका गोला बना के, आई थिंक लोगों को आता ही है पराठा बनाना, तो मैं इतना भी बता रही हूँ। तुम्हें क्या लग रहा था ये डिश का आविष्कार आज ही हुआ है? थोड़ा सा लोई लेके पराठे को, अरे आलू तो डाला नहीं उसमें पराठे में। अरे रुको ना, नहीं डाला और ये नहीं किया और वो नहीं किया, कलेसी आदमी। क्या आदमी? कलेसी आदमी। लो दोस्तों, यहाँ से उठाएंगे हम आलू, आलू को डालेंगे यहाँ के पराठे में, थोड़ा सा और ले लेते हैं। आलू पूरा भरपूर होना चाहिए उसमें। भरपूर इतना ही होगा ना, पराठा फटता भी है ना। ये पकड़िए दोस्तों, अब आप जान चुके हो, सीख चुके हो, समझ चुके हो, अपनी अकल लड़ाओ और कर डालो ये काम। मुझे लगता है आलू ज्यादा चले गए, है ना? हाँ, आप फटेगा पराठा। तुम ना मेरे को अपने हिसाब से कर, कभी कुछ नहीं करने देते हो बेबी। मेरी लाइफ को ना तुमने खराब ही किया। मैंने खराब किया हुआ है? ये देखा पराठा अभी से ही फट रहा है। एक साल में एक बार पराठा बनाना पड़ता है, इतनी खुश बीबी होगी कोई? वो भी क्यों करता है। अब हल्के हाथों से दोस्तों इसको चलाएं, क्योंकि अब हल्का ही हाथ चलेगा। अगर भारी हाथ चलाया तो ये फट जाएगा पूरी तरह से। मुझे लग रहा है वो फट चुका है। कौन है इस समय? क्यों क्यों रात के 3 बज रहे हैं क्या? कौन है इस समय? कैंडी नहीं आई बेबी, मेरा पराठा इसलिए सही नहीं हो रहा। ऐसा बड़ा पराठा बनाऊंगी कि तुम्हारा एक ही में काम हो जाए और तुम्हें दूसरा ना बनाना पड़े। ये तो बहुत बदतमीजी की बात की है आपने। आज मैं तुम्हें देसी घी का पराठा भी खिलाऊंगी। पराठा भी खिलाऊंगी, मतलब ये किस चीज का होने वाला है? देसी घी का ही खिलाऊंगी। दोस्तों जो लग रहा था वो नहीं हुआ, फटा नहीं पराठा, फटा नहीं है। अब इसको ऐसे पकड़ेंगे जल्दी से और इस पे डाल देंगे। अरे घी तो डाला नहीं तवे पे। ताता घी बेबी रुको, तो पहले ही डाल दोगे क्या? तो चिपकेगा ना वो फिर। क्यों चिपकेगा? पता है तुम्हें भी थोड़ी सी कुकिंग क्लासेस वगैरह ले लेनी चाहिए। अच्छा, व्हाई डोंट यू टेक सम कुकिंग क्लासेस? व्हाई डोंट यू टेक सम? मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, फट रहा है, देखा फट रहा है, अभी कच्चा है दोस्तों। बच गया पहला पराठा, था ना थोड़ा सा आड़ा बना। अरे तो एकदम तुमने मूलचंद के पराठे बना दिए। मेरे बेबी को, मैंने अपने बेबी को कितना वो रखा। क्या रखा? मैरून मैं खिलाऊंगी, दो भी देसी घी का। आज मैं तुम्हारे सारे जितने भी वो थे ना शिकायत मुझसे, वो मैं दूर करूंगी। अब दोस्तों डालेंगे इसमें हम लोग घी। घी के लिए दोस्तों घी डालें। अच्छा, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है यार। अरे देसी घी का बना रही हूं ना मेरी बेबी के लिए। अब दोस्तों थोड़ा पराठे से दूर हो जाएं और पराठे को पलट दें। ओह माय लॉर्ड, अरे कुछ ज्यादा दूर हो गए, पराठा ना गिर जाए। आज बनेगा देसी घी का परांठा। देखो साइड साइड से आलू भी निकल रहे हैं। अरे बहुत सही, खुश हो गया बेबी। तो बिल्कुल मतलब वो जो होते हैं ना अमृतसर के पराठे। हाँ क्यों, लो जी एक ही पराठे में आपको पेश ना कर देता जी। नमक मिर्च पा दियो अभी। अभी रुको, दिस इज गोइंग बी सो टेस्टी अविनाश, वेरी वेरी टेस्टी। इस प्लेट में डालूं? हाँ हाँ। ओड़ी बाबा, ये हमारा पूरा पेड़ वेड़ सब जला दिया भाई। बेबी क्या खुशबू आ रही है पराठे की, बहुत ही शानदार। तुम पगला जाओगे, आज पगलाओगे तुम खाके। 100% दो, मेरा इतना ज्यादा वो नहीं बना, मतलब एक होता है ना एक बार और। थोड़ा सा कड़क कर दू ना इसको। ओ बहुत खुशी हो रही है बेबी, अच्छा किया लोगों ने मेरे को बोला बनाने के लिए रेसिपी। देखो रोज रोज तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं बनाऊं तुम्हारे लिए। और ये तैयार हो गया है हमारा एकदम मतलब बढ़िया वाला अमृतसरी परांठा। मतलब इस घर में मेरी मांग अब पूरी होगी जब बाहर वाले बोलेंगे। है? वो तो रही है। तुम्हें थोड़ा कड़क चाहिए कि नरम चाहिए? कड़क कड़क चाहिए। यू विल बी वेरी हैप्पी। मतलब मेरे को पराठे की शक्ल से जो अंदर हो रहा है ना इसके साथ, उसे मुझे पता लग रहा है कि मैं एकदम सही चीज बना रही हूँ। पराठा इज ऑलमोस्ट रेडी दोस्तों, अब इसमें सिर्फ आखिरी चीज होनी है, बटर जाना है। तो मैं घी के ऊपर बटर मक्खन तो जाना ही चाहिए बेबी। यस देसी घी डाल दो। डाल देसी घी, देसी हाँ हाँ देसी घी, देसी घी थोड़ा समय। आज आज देसी घी का ही खाओ फिर पराठा। ये ओ माय गॉड इट लुक्स अमेजिंग, है ना? कैसा लग रहा है? खूब भालो, खूब भालो। ये आ गया जी आपका पहला परांठा देसी घी का। मैं रखूंगी इसके ऊपर थोड़ा सा साइड पे अचार। अब मेरा बेबी खा के बताएगा। हमारा पहला पराठा तैयार हो चुका है, मैं बाकी बाद में बनाऊंगी, पहले मैं चाहती हूँ कि मेरा बेबी टेस्ट करके बनाए। और ये हो गया हमारा पहला परांठा तैयार। ओ भाई क्या कलर आया है, ये सामने बादलों का कलर और यहाँ पराठे का कलर। वाह, करो को परांठा टेस्ट
टेस्ट करा के बताती हूँ आपको, बेबी बताएगा कि कैसा बना है। तो ये जी टूटा, इतना क्रिस्पी है मैं आपको क्या बताऊँ, इतना क्रिस्पी है। मत बताओ ना, मत बताओ। ये देखो ये देखो ये देखो, मैं चाहती नहीं ना, पहले पहले इसके बिना खाओ, अचार के बिना खाओ। नहीं नहीं, अचार के साथ ही खाऊंगा। बेबी पहले अचार के बिना, फिर परांठा तो बताओ ना, अचार के साथ तो फिर हो जाएगा। तुम भी फूंक मारो। हो गया ठंडा, हो गया। ऐसा लगा बेबी? अद्भुत भाई साहब, अद्भुत है। वो कुरकुरे पराठे के अंदर नरम नरम आलू है, उसमें खट्टा खट्टा आमचूर है, और उसमें वो देसी घी का टेस्ट। देसी घी वाला अच्छा हो जाए, आउटस्टैंडिंग। सारे देसी घी में बनेंगे आज है, मतलब बटर नहीं चाहिए तुम्हें। जल्दी से और एक बार खिलाती हूँ। अब मैं अचार के साथ खिलाती हूँ बेबी। सच्ची बताओ भाई, कैसा बना है? बहुत अच्छा बना भाई, बहुत ही अच्छा। ये मेरा बेबी को अचार वाला। ओए होए, आ जाएगी नींद। और ये रहा मेरे दोस्तों के लिए कुरकुरा, एकदम मतलब लाइक रियली कुरकुरा वाला पराठा आप लोगों के लिए। खाइए बेबी।